सिंहराज के गोलियाहेड़ा गांव में गुरुवार शाम को खेत में बकरी चराने को लेकर हुए विवाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। इसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शुक्रवार को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना में एक ही पक्ष के 6 लोगों को गंभीर चोट आई और जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बावजूद भी पुलिस ने शुरुआत में क्रॉस प्रकरण दर्ज किया। बताया जाता है कि कुशवाहा परिवार ने एक खेत को बटिया पर लिया हुआ था। गुरुवार शाम को जीतू चंदेल नामक शख्स बकरी लेकर घुस गया। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। कुशवाहा परिवार के लोगों का कहना है कि वे अक्सर ऐसी हरकत करता था। ये बकरियां मीना परिवार की थी जिन्हें जीतू चराता था। विवाद के दौरान मीना परिवार के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने कुशवाहा परिवार पर हमला बोल दिया। इस दौरान 58 साल की हल्की बाई गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्होंने शुक्रवार दोपहर को दम तोड़ दिया। हमले के बाद घायल हुए ओम प्रकाश गजरात, शिवनारायण, प्रीतम, दीवान सिंह सभी जाति कुशवाहा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरे पक्ष से पंकज मीना, जगन्नाथ मीना, मानोबाई और जीतू चंदेल के घायल होने की बात सामने आई है। आरोप महिला को रेफर नहीं किया गया। कुशवाहा समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि हमले में घायल महिला के उपचार में लापरवाही बरती गई है। आरोपियों ने उसके गुप्तांगों में गंभीर चोटें पहुंचाई थी। समाज के पदाधिकारी रणवीर सिंह कुशवाहा ने महिला के परिजनों के हवाले से बताया कि गंभीर हालत के बावजूद महिला को रेफर नहीं किया गया। आरोपियों ने जमीन पर किया दावा। बताया जाता है कि मीना पक्ष द्वारा उस जमीन पर अपना दावा किया जाता रहा है, जिसे लेकर विवाद हुआ। उनके मुताबिक बकरियां उनकी ही जमीन पर चर रही थी। कुशवाहा पक्ष ने बिना वजह विवाद किया। कुशवाहा समाज के लोगों ने कहा है कि इस मामले में पुलिस ने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए क्रॉस प्रकरण दर्ज किया है। और भी घर पे है बेचारे बच्चे, भी क्या करेंगे, तुम जब बताओ हमारा क्या न्याय होगा जी। बताओ किस चीज के लिए झगड़ा हुआ था जी आपका? काजू नहीं, कुछ बकरी चली गई थी हमारी फसल में, तो हम भगाएंगे नहीं क्या? जा जमीन तो उनकी थी, हमने कर रखी थी उनकी बकरी, हमने भगाई सिर्फ इसलिए। कब हुई है जी मारपीट? कल 6 बजे। तो कितने लोग घायल हुए? हम हो गए 5-6 लोग घायल हो गए, एक हम में से खत्म हो गया। और हम क्या करेंगे, औरतों को भी मारा उनने, औरतों को भी नहीं छोड़ा। कौन लोग थे जी मारपीट करने वाले? मीना समाज के। आपके गांव गए? हाँ। कौन से गांव से आप? गोलेड़ा। खेत कौन का था ये खेत? कल्याण उनका। अच्छा, तो आप बटिया से करते थे? हमने लिया था बटिया से, ठेका में लिया था हमने, तो ठेका में धराया था। फिर हम तो कर रहे थे ना, तो हम भगा रहे थे। उसी को लेकर विवाद हो गया था, बकरी को लेकर? हाँ, बकरी के लेकर ही किया उनने झगड़ा। हमने नहीं किया, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, हमारे हाथ में डंडा भी नहीं था, हम तो बचाने के लिए गए थे। अभी खत्म खत्म कौन हुई है? हमारी मम्मी खत्म हुई है। क्या नाम है उनका? हल्की भाई। हल्की भाई, उम्र क्या होगी इनकी? उम्र लगभग 55 साल। 55-56 साल होगी उनकी। आपका? ओम प्रकाश कुशवाहा। क्या हुआ था? घटना स्थल पर यह हुआ था कि वो कम से कम 15 लोग थे, बकरी चल रही थी घास में, भगाने के लिए गया मैं और हम दोनों में गाली गिरोह थी फसल में। आप नहीं हैं? और वो चंदेल समाज का था लड़का जीतू, हम दोनों में आपस में बात हुई। दूसरा बीच में आया मीना समाज का, उसने हमको मारपीट की, चिल्ला चोट की। उसने घर वालों को बुला लिया, घर से कम से कम 13-15 लोग आए, उन्होंने हम दोनों भाई को मारा पहले। इतने हम बचाव के लिए, हमारे पिताजी गए बचाव के लिए, तो कुछ भी नहीं था, नहीं गए थे बचाव के लिए, तो पिताजी को मारा। इसके बाद बचाव के लिए मेरी माताजी गई, उनको गुप्तांगों में मारा, मेरी घरवाली गई, इनको मारा, मगर अंदरूनी चोट है, कुछ वो दिक्कत नहीं है। कितने लोग घर वाले? तो मेरे ताऊ जी गए तो इनके पीछे लट लेके पड़ा, मेरे ये चाचा जी गए तो इनके पीछे इनको मारा, दोनों हाथों में दिए। कितने लोग थे और काय से हमला किया इनने? इन्होंने इन पे फर्ची थी, तलवार थी, वो पापा जी की तलवार लगी है यहाँ पर, जो कटाया है इतना तलवार। तो जो मौत हो गई अभी, वो कौन थी आपकी? मेरी माता जी थी। क्या नाम था उनका? हल्की भाई। उम्र क्या होगी? उम्र 55-56-57 के लगभग होगी। कन्फर्म आधार कार्ड है मेरे पास। घटना कहाँ की है? गोलेड़ा। कैसी? तहसील कुमराज। तो मामले की रिपोर्ट की थी? मामले की रिपोर्ट की थी, उन्होंने तुरंत उनकी डायरेक्ट फेस्टिफेक्ट सेक्रेटरी साथ के सेक्रेटरी से, या उनकी वो परिवार का ही है उनका जी सेक्रेटरी है, सचिव है और सरपंच है। इस कारण से हमारी सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने डायरेक्ट फोन पे कॉन्टेक्ट कर लिया पुलिस वालों ने, हमको FIR लिखी मगर वो नहीं लिखी। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई हम इंसाफ चाहते हैं, जितने भी हैं उनको सारों को सजाओ, कम से कम ये 17 लोग हैं। ठीक, 17 को सजाओ, मेरा मेन उद्देश्य यही है।